कैसे हैं सब जी? ओके बज्जी। मौसी की रूह की गजा है और इस मामले में पाकिस्तान कभी भी अजाई किल्लत के शिकार नहीं बना, बल्कि इस सरजमीन ने ऐसे बड़े बड़े मौसीकार और गुलूकार को जन्म दिया है कि उन्होंने पूरी दुनिया में जाके म्यूजिकल स्ट्राइक्स करके अपने आप को मनवाया है। यस बज्जी, सबसे ज्यादा म्यूजिकल स्ट्राइक्स नेबरिंग कंट्री में किए। अरे वो तो हमारे सिंगर्स को इम्पोर्ट करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मौसीकारों की ट्यून्स भी स्मगल करते रहते हैं। बज्जी, मौसीकारों का नाम लेकर आपने हमारी दुखती हुई रग को छेड़ दिया है। बाखुदा, हमें भी बहुत जुनून था मौसीकार बनने का। नौजवानी में हम भी खुद को एम अकबर कहलवाया करते थे। आलमपनाह, हर छाबे में हाथ मारते हैं, कोई काम छट भी दिया करो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, फिर भी ताड़े चोक काम निकले। हदे दब, हमारी ख्वाहिशात का मजाक ना उड़ाया जाए और आज का सिपाहनामा सुनाया जाए। खादिन हजरत, आज के मेहमान, इनके बारे में मैं बस यही कहूंगा कि वो किंग तो हैं ही, इसके साथ साथ किंग मेकर भी हैं। अगर मैं कहूं कि मौसीकी में उनका घराना इतना बड़ा है कि उसको सल्तनत कहा जाए तो ये बिल्कुल सच होगा। खातिन हजरत प्रोड्यूसर भी हैं, सिंगर भी हैं, पूरी दुनिया में परफॉर्म भी कर चुके हैं, आज सुपर ओवर में आ रहे हैं, एक शानदार इनिंग खेल लें। प्लीज वेलकम साहिर अली बग्गा। वेलकम टू सुपर ओवर सर। सर थैंक यू जी, आपने बुलाया, बहुत खुशी हुई। आपने टाइम निकाला थे माशाल्लाह एडे करके आप आगे हैं। नहीं, मैंने देखा आपका शो ना टीवी पे। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। हंसा आया आपको कि नहीं आया? आया, बिल्कुल आया। बिल्कुल आया। मैंने सोचा था थोड़ा सा देख लूं कि मुझे पता चल जाए होता है कैसे है, तो मुझे आ जाएगी। आपको पता है पहले एक दो मिनट में आए थे, लेकिन मैंने सारा देखा था। साहिर अली बग्गा आ चुके हैं सुपर ओवर में। बग्गा जी की टेस्ट मैच खेलोगे, वनडे खेलोगे, T20 या T10? 2020 का मजा आ रहा है आजकल मुझे तो। बग्गा जी। यस। साडा तो बग्गा तू यो यारे। दूजा कोई नहीं बनाना। दूजा कोई नहीं बनाओ ना। भाई साहब ने गाना सुना है, तो गाना सुनते मुझे कहते हैं ये अठवां नौवां कोई नहीं बनाना। खुशामदीद, खुशामदीद बग्गा जी, आपके आने पर शाही मोहल्ले में, शाही महल में हर तरफ साजीने बज रहे हैं। हमारे मचले हुए अरमान चीख चीख कर पुकार रहे हैं। बग्गा जम्मिया ते मिलन वधाइयां, बग्गा जम्मिया, बग्गा जम्मिया ते मिलन वधाइयां, ते वड्डा मौसीकार बणिया ओ बग्गिया, ओ बग्गिया, ओ बग्गिया, ते हर पासे तेरा ही गाना वज्जिया। ती ती री री री, ती ती री री, हो ला 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 ला। बग्गा जी मुझे बताएं, आप तो अगर आपको लोग ओल्ड म्यूजिशियन जानते हैं तो आपने ड्रमिंग से अपना आगाज शुरू किया था। अभी तक आपका फोन बग्गा द ड्रमर के नाम से सेव है या चेंज हो गया? मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका नाम, जिन्होंने अभी भी बग्गा ड्रमर लिखा हुआ है। बग्गा ड्रमर लिखा हुआ है? वो नहीं मानते, हालांकि कितने स्टेप में निकल गया हूं, लेकिन वो कहते नहीं। तो वही है, मैंने कहा ठीक है। बग्गा द ड्रमर से लेके साहिर अली बग्गा की जर्नी कैसी रही? आपको भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है कि मुझे शौक बहुत था इस चीज़ में। मैं आज तक ये नहीं समझता हूँ कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, ड्रमर हूँ, अरेंजर हूँ, सिंगर हूँ। मुझे नहीं समझ आती मैं क्या हूँ, लेकिन मुझे ये पता है मैं म्यूज़िक लवर ज़रूर हूँ। तो मैं म्यूज़िक लवर हूँ, तो जितना मेरी कैपेसिटी है, जितना मैं कर सकता हूँ, जो मैं उतना वो करता हूँ, वो अल्लाह की तरफ से लोग सराह देते हैं, तो आप समझता हूँ कि मेरी बड़ी करम नवाजी है रब की। भाई ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मेहंदी हसन से लेके आतिफ असलम तक बड़े लोगों के साथ म्यूजिक प्ले भी किया है, कंपोज भी किया है और अरेंज भी करके दिया है। ज़्यादा क्या चीज़ इंजॉय करते हैं? ज़्यादा चीज़ मैं अभी तो इंजॉय जो है वो टाइम याद करता हूँ और मिस करता हूँ। कभी मैं खासा मेहंदी हसन साहब की कोई गज़ल सुनता हूँ या कोई ऐसी चीज़ जो मैंने
कुछ बजाए थे वो तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं गाने, क्योंकि वो इतने मशहूर नहीं हुए होंगे। और अभी इन्जॉय जो मैं करता हूँ वो ज़्यादा ये है कि जो अच्छी कंपोजिशन बन जाए, क्योंकि ये आप कह के नहीं बना सकते कभी भी कि मैं आज बहुत अच्छी बनाने लगा हूँ, तो ये तो आम मत अच्छी आ जाए या अच्छी बन जाए तो उसको इन्जॉय कर लेते हैं, कोई माड़ी बन जाए तो कहते हैं चलो पैसे तो मिल गए ना जान दो। अरे भाई ताफो साहब और बग साहब दोनों आपके ताया, इनसे कभी आपने कोई इल्म हासिल या चोरी किया कि यार लुक के देखे है? मेरे लिए ना ये दोनों मेंटोर हैं असल में, अगर समझता हूँ जब मुझे थोड़ी सी अकल आई म्यूज़िक की, तो ताफो साहब जो हैं उनसे मैंने जो उनको मैंने उनसे सीखा वो लय जो है उनसे बेहतर मैंने कहीं नहीं देखी, टेम्पो जिसको बोलते हैं अपनी फैमिली में। और भक्त साहब जो हैं उनसे मैंने सुर की तमीज़ ली है, जिससे मैं थोड़ा बहुत जो कर लेता हूँ ये उनकी वजह से ही है। तो इनसे इनसे बैठ के सीखना मैं समझता हूँ कि वही सीखेगा, मतलब जो इनका स्टूडेंट होगा जो इनको सुन के सीखेगा वो असल दिल से प्यार करता होगा म्यूज़िक से, तो वो दिल से वो सुन के सीख सकता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि आपके मेंटोर जो हैं कभी भी आप उनको उनके पास बैठ के सीखने से बेहतर है कि आप उनको सुन के सीखे, तो मैंने इसलिए उनको सुन के ही सीखा ज़्यादा। सुर की बात की तो बक्स साहब की क्या ही बात है, लेकिन बड़े कम लोगों को पता है कि जो बक्स साहब का ह्यूमर था डेडली था। मुनव्वर शरीफ साहब, अमानुल्लाह साहब, उमर शरीफ साहब, सुहेल अहमद साहब, सब उनके फैंस हैं। कोई बक्स साहब का वाकया दसो। आपको पता है म्यूजिकल जितने भी लोग खानों के बहुत शौकीन होते हैं, खानों में मतलब घर में बन रहे किचन में खड़े रहते हैं, आप हमें कुछ नहीं करना आप ही खिलोते रहते हैं। तो एक दफ़ा फिश लेके आए कभी, तो रोहू जिसे हम बोलते हैं रोहू मच्छी, रोहू मच्छी वो शोरबे वाली बनानी है जी, तो वो बना रहे, तो अब वो पक रही है उनकी बेगम बना रही थी, तो वो कहते हैं हाँ भी कितना टाइम है, बस थोड़ा टाइम है फिर आधा घंटा लाएंगे, हाँ भी अब बस 15-20 मिनट। अच्छा यार इन्नी देर लाती हो खिंच गई कि नहीं नहीं मच्छी है हूँ मैं करा। अच्छा चलो पानी हजे पाया खुश्क हो रहा, चलो कहते थे चलो मच्छी तो खुश है ना तो पानी। तो इस हिसाब से मुझे भक्त साहब एक बात और याद आ गई, एक हमारे कज़न हैं तो वो उनको हम वो उनकी मतलब काफ़ी जवान है ठीक ठाक एज भी काफ़ी है, गुड लुकिंग बंदा, हाँ गुड लुकिंग नहीं कह सकते। तो वो उनको दबा रहे हैं अच्छा भक्त साहब को, तो बैठे बैठे कहते हैं हम सारे क्योंकि भक्त साहब को अब्बा कहते हैं, तो कहते हैं अब्बा अब्बा वो मेरी अकल दाड़ आ गई। अच्छा अब्बा कहते हैं वाह पुत्र जी वो तेरी मत बज गई, वो तो अकल दाड़ आई है। वाह 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 ताड़े ते है। क्या बात है जी बक्स साहब की, वाकई मुनव्वर शरीफ साहब इनके इतने बड़े फैन थे कि इनके साथ अक्सर खड़े होके वो इनको ऑब्जर्व किया करते थे। जहां हम आपके कजन्स की बात करें और आपके इतने सीनियर्स की बात करें, जब आप अपने खानदान में से इतने बड़े बड़े नामों में से उठ के आपने कंपोजर बनने का फैसला किया तो ताड़े ते किसी ने अदम एतमाद नहीं पेश की? वो तो आपको पता है फिर अभी तक इलेक्शन चल रहे हैं। बग्गा जी जी मैं तेनू समझावा की जी, ये जब आलिया भट्ट ने आपका सॉन्ग खराब किया था तो आपने इंटरनेशनल कोर्ट में उनको सू क्यों नहीं किया? यार वो मुझे सोनी बड़ी लगती, मैंने कहा गा दो अच्छा लग रहा है जैसे भी गा रही। तो मैंने कहा आपको माफ है और थोड़े लोग बसुरा गा रहे हैं आप ही गा दो। वैसे अताई पुणे की इंतहा नहीं कि एड्डा सुरीला गाना तुसी आलिया भट्ट तो गुआ भी लिया। करण जौहर के अताई पुना था ना वो, उसने गवाया है। हमारा नहीं था उस पे। अच्छा आपसे इजाजत ली थी? हाँ जी इजाजत ले ली थी। चलो ठीक है। आपके ताया ताफू साहब ने नसीबुलाल को लॉन्च किया और आपने आयमा बेग को ए ताफू डॉक्टर आयन दे खिलाफ वर्ती नहीं है? नहीं ऐसा की बात नहीं है, ये तो टैलेंट था, नसीबुलाल भी टैलेंट है और आयमा भी टैलेंट है बेशक, तो मैं समझता हूँ डिजर्व करते हैं उनको आना चाहिए। और ताफो साहब ने नसीबों को गवाया और ताफो साहब ना गवाते नसीबों ने गाना ही गाना था, आयमा को मैं ना गवाता उसने गाना ही गाना था, तो इसमें क्या उनका टैलेंट है वो आगे आगे, तो ये अच्छा है कि अगर इस चीज़ का क्रेडिट कभी मुझे कोई देता है या ताफो साहब को देता तो इट्स ऑनर। बल्कि आयमा भी बहुत दफ़ा मेंशन करती है कि और वो ज़्यादातर काम भी आपके साथ ही करती है। बिल्कुल ऐसा ही है और शी इज़ वेरी गुड सिंगर, मुझे अच्छा गाती है वो और शी इज़ वेरी मेहनती है, वो काम अच्छा करते हो। दिल मंगनिया गड़वी वजा के है, दिल मंगनिया गड़वी वजा के
वाह वाह वाह। मैं कहती सलाम सारे नु। वालेकुम अस्सलाम। है खूबसूरत दोशीदा गढ़वी वाली, तुम्हारी आवाज कितनी सुंदर है। ये दिल मांग कर अपने पास ही रखती हो या कार्डियोलॉजी जमा करवा देती है? ऐडा दा मुंह तो गल के कभी भैर चल बेअदब इन चीजों को गोली मारो, इधर बादशाह के तख्ते आलो जी पर आओ। बादशाह सलामत, मैंने तो सिर्फ एक जगह का पता है। कौन सी? अडियालो जी। पता नहीं तेरे काम करने पे वैसे हैं के बादशाह तो नहीं खाम करते, तेरी फंक कही जाया गोभी भी जानी है तू। ए कोई काम है करने वाला ना? केसट पेंदी ना विच यूएसबी पेंदी ना तार लगदी है, मुफ्त भरी लाई लोता दे नाल गाना सुना के इनको पैसे मांग ले, इनको पैसे मांग ले, शाम को किलो दूध ले जाके अपने बच्चों को पिला के सवेरे फिर तो के कारोबार दिन गल दो फिर दे मु मरनी है। आप हमारी वेटरन हीरोइन है तो आपकी डबिंग कौन करती थी? डबिंग की मतलब इसका मतलब है आप शागिर्द नहीं है, शागिर्द बनना चाहती हैं? हाँ जी उस्ताद, मैं ना बड़े देर दा मान चुकी हूँ, बस रस्म आज होन गई है। आज किलो मिठाई ले आ गया तो तेरे से चेट मार ली उन्होंने आज। ए गड़वी वाली, हाँ जी तुम शागिर्द मत बनो बल्कि इधर आके मलका हिंद बनो। हाँ जी ए तो डागू बंदा या कपड़े तो होना ले रखे। उस्ताद जी जी खलो के गाओ। क्यों नी जी क्यों नी? असा यार मनावना है, असा ढोल मनावना है, पावे सिर दी बाजी लग जावे, क्या बात है? पावे सिर दी बाजी लग जावे, क्या बात है? ऐसे बग्गा जी ताजे इस गाने ते ना मेरी धौन टुटन लगी सी, मैं पौड़ियों ते छाल मारती, मैं कहा पावे सिर दी बाजी लग जावे। छदरे दा वीजा नहीं लदा होया। जनाब क्यों नहीं तुहानू गाना गवाने सर, तुहाडी इतनी अच्छी आवाज है, क्या बात है जी, क्लैप होनी चाहिए ना वैसे। चलो जी अगर बग्गा जी ने ओके कहते तो फिर आगे बैठ जाओ। चकना मर थी है, तू पा मार दे, बड़ा मर जा, दफा दो आ, दो दफा हो, मैं इधर बैठा हूं, पीनी अपना तो नाल बैठ ही नहीं देना, चल दफा तू दो दफा। मैंने वहां बैठने के लिए कहा था, आप तो चौड़ी होगी तो क्या हो गया, उधर भी बैठना इधर भी बैठना, बैठने में क्या होता है, ये जगह खाली है ना, यहाँ कुछ रखना है आपने? नहीं। आपका कुछ 14 इंच का टीवी है? नहीं। जो इधर रखना है उधर रखना है, कोई आई नहीं तो फिर मुझे बैठने दो। है ही बड़ी चौड़ किस्म दी ते नाले चोर किस्म दी। नहीं तो बाजी आप मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ कौन सी फ्रिज रखी है, उसके अंदर महवज याद की फिल्म लगानी है? वो फिल्म फ्रिज में नहीं लगती, एक हफ्ते बाद फ्रिज ही लग जाती है।
सलाम वालेकुम भट जी। अरे अरे के हाल ने पापा? ओए माड़िया वीरा, खुश किता ही लंडे दे कपड़े पा के खुश होना लिया। असल च भट जी, तुसा की पता नहीं मैं तुसा नी खिदमत च क्यों हाजिर। ओए तुसी दोए इत्थे, ताडा खाना खराब और तू कितनी बदतमीज औरत है। जदों तैनूं मैं कहा यतीम खाने चौक दे विच खल, मैं आके तैनूं लैके जासा, खुद ब खुद फ्री हो गई है। मैं साया यतीमां दा ठेका नहीं लिया, आप आ। यार मैनू यकीन करी छोड़िया, मेरी गल ना मतलब नहीं समझे। नाल तेरी मैं इंट्रोड्यूसिंग करानी सी बग्गा साहब नाल, तेनू वड्डा गाना लेके देना, खुद ब खुद, खुद ब खुद शोखियां। वड्डा गाना की मतलब? 3 घंटे का गाना लेके देना। तू तो बिल्कुल गल ना कर, इतनी खोचल औरत है। मैनू आख दी है जी उत्थे यतीम खाने खलो, मैं लैमोजीन लेके आसा तुहानू विच बाग के, बग्गा जी कोल जासा, ते खुद एम्बुलेंस ते बह के इत्थे आ गई है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं दिल पे हाथ रख के खड़ी थी, एम्बुलेंस ने समझा ये बीमार है, वो मुझे इधर छोड़ गए। दांत कटन की जरूरत नहीं, खोते दे पर बैठ के भाई एयर सफर करने आया। कुत्ते तो पेंट पड़वा के फैशन करने आया। अच्छा जी बट जी, असले च शो तुसा ना पिया चल, तो सुन लो माड़ी गल। इस किस्म ना ताजा स्क्रैपुट लैके तुसा ने शो दे अंदर आया, अगर स्क्रैपुट दे विच ताकत ना होवे ते स्क्रिप्ट चो मो बाहर ते पैसे वापस। स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट नहीं होता। असल च गल पता क्या? अस्सलाम वालेकुम जी बग्गा जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं तुसा ना बहुत वड्डा फैन हां पापा जी। मैं असल च तुसा की मिलन आया, मैं नवी फिल्म शुरू की थी आर्ट, ते तुसा की पता है आर्ट फिल्म नजर आ जेड़ा म्यूजिक गैर रवायती जे होना, चेंज देना चाहना मैं चेंज। ये आर्ट फिल्म का नाम क्या है? गुज्जर अभी जिंदा है। दूर फिटे आर्ट फिल्म। ओहो असल जी पापा जी, फिल्म आर्ट है ना, मैं कमर्शियल रख बैठा। बीमारी पाने को कहानी कोई नौर ही बना बैठा उन्हें। ओहो बग्गा जी, ऐसा दफा करो तुसी, तुसी एक काम करो, इस किस्म ना नवा म्यूजिक क्रिएट करो कि सब कंटिनेंट ने दे अंदर रौला पई जुले, बाजार अर्थ ते इजाजत ने म्यूजिक की लोकी पुल जुलन, ते गुज्जर अभी जिंदा है, ऐसा याद रखन। क्या बात है सर, मैं पूरी कोशिश करन दी कोशिश करांगा। हैं आए आए आए, पूरी कोशिश करन दी कोशिश करांगा। मशकूक हो रहा मेरा म्यूजिक। एक मिनट, इस फिल्म की कास्ट कौन है, कौन कौन है लोग? अल्लाह मैनू माफ करे, अल्लाह मैनू माफ करे जी। इनियो तौबा कर रहे, बीमारी पैने काफना ना फिल्म बनाने लगे। तो पहले तो माड़ी फिल्म दी कास्ट चे ए बाजी हैं। अच्छा। इतनी बिजी 100-150 फिल्मों दे अंदर वड़िया सी, मैं खिंच के बाहर लिया। लो जी कट करके कहत काया के बिल्कुल कैमरा गया इसने पर, इन्हें कंधे उत्ते हाथ रखे ते गाना शुरू किया, मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, पापा पापा पा छोड़ के आ गई। बेदा जो गेस्ट ने ना उन दोनों ने जूती ला के मारनी सी। यार किसी गल तो ही मारनी सी ना, खाम खाते मार दे नहीं, मैं पहले तो जानना। चलो दसो जरा किहो जिहा गाया ने। क्या बात है सर, मेरे वाले तो 0 नंबर। हीरो नंबर देते हैं यार, उन्होंने हीरो नंबर, हीरो नंबर को एवे मिल जाने। अच्छा कौन है भाई, कास्ट कौन है? और लो जी बट जी, इस किस्म नी कास्ट में अगर इथे छड़सा ते तुसा ने पैरां तलो जमीन निकल जा सी। मर के मरे कास्ट छड़न लगा ते पानी छड़न लगा। लो फिर तुसा नी भरपूर तालियां दी जरूरत बिल्कुल नहीं, तशरीफ ले आ रही है माड़ी सुपर कास्ट। भाई को बिठाए, इनकी तबीयत नहीं ठीक, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, इनहेलर हाथ में लिए फिर। कई छोड़ा बहुत सलामत। तुम्हें देख के गाना याद आ गया केबी। क्या? केबी केबी हमारे दिल में ख्याल आता है, पहले पतोकी फिर शाहीवाल आता है। राजकुमार साहब एक बात तो बताओ जी, आप इसे पीते हो या इसमें बोलते हो? आप बताओ, मुंह से डबल रोटी निकाल के कब बात करूंगा। अच्छा बट जी, मैं तुसा की तारुफ करवावा, सब तो पहले त्या जेड़ा माड़ा रॉक स्टार है। इस बच्चे की परफॉर्मेंस तुसी तकसो ते तुसा वाकई घबरा जुलसो। अच्छा हां ओए बेटे जरा गाना सुना। आई एम अ रॉक स्टार पु पु पु, आई एम अ रॉक स्टार पु पु पु, आई एम अ रॉक स्टार। अच्छा बेटे बाथरूम उधर। इन्हें बाथरूम की कोई फिक्र नहीं, नैपी लगी हुई है, दुआ सुना पुत्र। मैं आटा लेने जावांगा, मैं चीनी लेने जावांगा, आटा लेने जावांगा, मैं चीनी लेने जावांगा, दुकान जे बंद होई थल्लो मार जावांगा। रॉकस्टार, ओए होए होए, मैं रॉकस्टार।
स्टार बन जावांगा फिर डॉलर एक कमावांगा स्टार बन जावांगा फिर डॉलर एक कमावांगा पेट्रोल पंप ते जाके तेल पुआऊंगा रॉकस्टार बस पापा बस पुत्र वाकई किधर एडी को फेफड़ी ये पहाड़ी ना बई किधर मेरा एनु एथे ने ओनु ओते कल तुसा ना मतलब है कि इस बंदे की वापस उसनी जाई ते भेजा जी सर इया ना जासी बट साहब रिदमे नल जासी थोड़ा नीवा जिंग छक 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 जिंग 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 छक 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 बस रिवर्स गियर में ज्यादा स्पीड है इसकी अले काली गियर बॉक्स ना काम कराया जी अच्छा जी एक मिनट इतनी पुरानी हीरोइन तुमने ले ली अपनी फिल्म में पुरानी की मतलब मैंने जाले लगे ने 10 साल से पेंशन लेने वाला हीरो है तुम्हारा अब 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 तुम क्या ये जुरैसिक वर्ल्ड तो नहीं बनाने लगे यानी हमारी उम्र पे मत जाओ हम जब स्क्रीन पे आते हैं तो 20-25 साल छोटे हो जाते हैं कद में ये आमिर खान शाहरुख खान इनसे 3 साल छोटा हूं मैं आमिर खान सलमान खान से तो भले छोटे हो लेकिन बच्चन साहब से तो 39 साल बड़े हो ना क्या हुआ काम तो कर रहे हैं वो हम वो है। काम कर रहे हैं तो तुम्हारे ना फेफड़े काम कर रहे हैं ना दिल काम कर रहे हैं ना गुर्दे काम कर रहे हैं यार तुसी के मतलब मैं फिल्म अपनी जाके दिल वाली वार्ड चला दे क्या किधर इमरजेंसी अस्पताल ले जुला खुदा ना वास्ता यार माड़ा हीरो है एक बात कान खोल के सुन लो एक मैं और एक पेट्रोल का भाव एक दफा चढ़ जाए तो बहुत मुश्किल से उतरते हैं ऐसे ही नहीं लोग मुझे जुबली गुजर कहते हैं चल काम कर तेरी फिल्म से 25 हफ्ते जो चली है ना वो सर शादी की फिल्म चली है वो भी चाह दे खोखियां थे वो भी भाभी की वजह तो उधार रही है ना ले आज उन्हें बगा साहब कभी आपने ऐसी रंग बिरंगी फिल्म का म्यूजिक दिया है सर मेरा दिल कर रहा है बना दे ये फिल्म और मैं म्यूजिक भी दे दूं बगा साहब इसने जो शादी की बात की है ना हमारी शादी में बड़ा मसला हुआ था अच्छा जी हम लड़की को लेकर रुखसत होके जा रहे थे हमारा मोबाइल बज गया उसमें गाना बज रहा था दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले आज हम अपनी मौत का सामान ले चले अच्छा तो शादी चली आपकी तलाक हो गई फिर हम एक शादी में शरीक के लिए गए वहाँ दूल्हे के जेब से चरस निकल आई उसके बाप ने कहा है कोई मुसलमान हमने समझा जंग छिड़ गई हमने हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने बच्ची पकड़ा दी आज तक जंग कर रहे हैं छोटी सी ब्रेक लेते हैं आप देख रहे हैं सुपर ओवर एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक खातिर हजरात आप देख रहे हैं सुपर ओवर बग्गा जी मैं तुसा की दसा जेड़ी माड़ी आर्ट फिल्म है गुज्जर अभी जिंदा है उसने जेड़ा म्यूजिक है ओ माड़े इन्वेस्टर तुसा की दसन ते ओदे विचों को नवी शय क्रिएट करो जी सर माजा ने अपनी कलेबली नहीं दिमाग गया लो जी तुसी समझ ते गए ही हो सो के माड़े इन्वेस्टर दे कहण ना मतलब की है असोले चे कोई गाना नहीं सी एनु जदों बिजली तो यूपीएस ते करिए ते फिर इंज ही करदा एक मिनट अपने इन्वेस्टर की बात जरा रोके हमने उस वक्त से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ साहिर अली बग्गा मौजूद है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ गुनगुनाए ना ओ खतरा चावड़ाए एहो खतरा चावड़ाए ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे ओ भावे सिर दी बाजी लग
ढोल बना बनाए साधु यार बना बनाए ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे ऐ हो मसलम का बनाए ऐ हो मसलम बहुत बढ़िया गाना गाया क्या बात है अब तुम कहीं खुदकशी कर लो बाजी वाह बग्गा पाजी क्या बात है अल्लाह ने कसम सिर दी बाजी लग जाए के मजा आया लेकिन तुसा सुन लिया माड़ा इन्वेस्टर के चांदा है वो चांदा है कि डिफेंस ते इमामिया कॉलोनी दोवां की मैकोस करिए लोगों को नई चीज दे मौजाना अचार पाना चाह रहे सब तो पहले ते बग्गा जी तुसा गाना सुनया सी तेरे भीगे बदन की खुशबू से बदबू आ रही है कितनी दूर से बूझ लिया ना जी ना तेरे भीगे बदन की खुशबू से ते ओदे नाल जोड़ना कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ वाह वाह वा, वो ते आ गया अंदर हुन बाहर कढ़ने वाली गल करो बगा पाजी अगर नहीं मजा आया तो दुआ सुन लो जनाब नहीं दूसरा गाना पता क्या ऐसा होना चाहिए ना जो इसमें थोड़ा सा ना मजा आए अच्छा वो देखे ना वो गाना नहीं है उनका ही तसव्वुर है महफिल में होके तन्हाई उसके साथ हो ना आ जाए ना मिक्स होके वो वाला गाना आ जाए जिदा जा रे जुदा हो जावे तेरे फिल्म लाने कितने पहले है दसो ए ऐसी कंते लाने तेरे वालों ते गाना ही है अंदर जिदा यार जुदा हो जावे ओदा खर्चा कौन चलावे बड़े बंदे रे अच्छा तू हमें नजर ना लाई अल्लाह करे तेरी सिम सड़े तेरे बंदे ते कटन असल च बग्गा जी दो त्रै म्यूजिका की इकट्ठा करके एम्फोसाइज बनाना है गलत समझ गए उसे दो म्यूजिका की मैकोस करना है पहला जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं ते इसने नाल ही जोड़ना है मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हथ पा के फड़ मैनू सजना वे दसो जी बग्गा जी क्या फ्यूजन बन सी अपने कड़े दी मच्छी रवो बेहतर बग्गा जी 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 खाने के मामले में कौन सा सुरीला आर्टिस्ट है खाने के मामले में नसीम विक्की साहब बड़े सुरीले आर्टिस्ट हैं ए नसीम विक्की कौन है बहुत बड़ा एक्टर है सिंगर्स में भी बता दें प्लीज सिंगर में मेरा ख्याल है कोई नहीं म्यूजिशियंस जो प्लेयर होते हैं ना ज्यादा अच्छा खाते हैं सिंगर्स को परहेज ही बहुत होते हैं डॉक्टर बताते हैं ये नहीं खाना गला खराब हो जाएगा घी ज्यादा नहीं खाना सिंगर सिर्फ पेमेंट खाते हैं भाई देख कभी चंगा खाना नहीं खाता घी नहीं खाता तभी घी घी करता बग्गा साहब जितने भी म्यूजिशियंस और सिंगर्स अभी मौजूद हैं सबसे ज्यादा प्रो पाकिस्तान गाने और काम आप करते हैं इसकी क्या वजह है सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे नसीब में आता है तो मैं करता हूँ जो मुझे आता है म्यूजिक उसके साथ मैं अगर अपने मुल्क की खिदमत जितनी भी कर सकूं मैं समझता हूं कम है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे नेशनल लेवल पे भी मुझे सराहा जाता है अच्छा जी ये बात तो हो गई हुब्बुल वतनी की ए हुब्बुल पत्नी दा भी दसो फैमिली का क्या स्ट्रक्चर होता है घर में कितना टाइम देते हैं घर में ये है कॉन्सर्ट्स के लिए अब मैं जाता हूँ बाहर सिर्फ बाकी स्टूडियो मेरा घर में ही है और घर मेरा आप समझ लें कि घर में मैं घर वाले हम मुलाजिम हैं घर के तो मतलब घर की बॉस भाभी हैं जी बिल्कुल बॉस तो वही हैं ऑलवेज बॉस यू नो आप उसे कहते हैं होम मिनिस्टर आपने हुब्बुल पत्नी की बात थी मैंने तो अधे पाया याद आ गए क्यों पता नहीं बस बैठे बैठे मरने वाला क्यों याद आया पानकड़े याद आए ने साहिवाल वाले या फैसलाबाद वाले नहीं भाईवाल वाले अगर तुम में हुब्बुल पत्नी होती तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर यूं नहीं भागता उन्हें मैंने नहीं छड़ेया फिर वैसे रोज के चला गया बग्गा जी जी डब्ल्यू आजम साहब बा खुदा अगर आप हमारे दौर में होते तो हम पूरे हिंदुस्तान के कूड़ा ताइयों से
आपको बग्गा टैक्स लेकर देते। वाह 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 सर। ऐ होनी तुसी कह रहे हो बादशाह सलामत के बग्गा टैक्स बना लो, जितना तुहाडे ते कर्जा है सारी सल्तनत तुहानू वेख के बग्गे सजे हो जांदी। हवेली मौसीखाना और हवेली बारूद खाना के दरमियान जो कनेक्शन है उसकी क्या राज है? मेरा उनके साथ जी म्यूजिक कनेक्शन ही है, और तो क्या हो सकता है इसके अलावा, आपको बताइए। बहुत लोग ये नहीं जानते लेकिन मियां सलीह साहब अल्लामा इकबाल के नवासे हैं, और सुर का तो उनको पता ही है लेकिन इसके साथ साथ खाना भी बड़ा अच्छा पकाते हैं। उन्होंने एक दफा बताया था कि अल्लामा इकबाल साहब को म्यूजिक से बहुत लगाव था और एक दो तर्जे उन्होंने भी बनाई हुई थी। हाँ जी, मुझे भी बताया था उन्होंने, और मेरा ख्याल है उसी वजह से उनको भी थोड़ा सा तर्जों बनाने का शौक है। बिल्कुल बिल्कुल, और लिखते भी हैं कभी कभार, अच्छा लिख लेते हैं वो भी। तो ये म्यूजिक का और ये जो काम है ये तो एक आमद है, जिसका लगाव हो आ जाता है उसको। तो वो बग्गा जी, आपकी हवेली को देखते हुए और सली साहब की हवेली को देखते हुए हमारे जहन में कुछ बना है, ये सुनिए। हवेली ये नी प्यार प्यार मैनू होया, हवेली ये नी प्यार प्यार मैं बताया। बम्ब मारो ताकि पता लगे हवेली का बागपन लुट गया। Don't go anywhere. आप देख रहे हैं सुपर ओवर। We'll be right back after a short break. खादिन रोजात, welcome back. आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खादिन रोजात, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब कहां कैसे। इसमें हम लोगों को कुछ तस्वीर दिखाएंगे। उठ इत्थे आके बैठ। कादिर आजाद हमारे मेहमान, बताएंगे कि कब कहां और कैसे। आइए चल के पहली क्लिप देखते हैं। सो क्यूट। कादिर आजाद इसको कहते हैं मिनी बग्गा। नहीं, कहते ना शायर अली बच्चा। बग्गा साहब कितने साल के थे आप? सर ये मुझे अम्मा बताती हैं कि 3 मंथ 4 मंथ का। और क्या रोते भी लय में थे? कादिर आजाद, सुपर ओवर में ये चीज डॉक्यूमेंट हुई है एंड इट्स अ फैक्ट कि इससे छोटा बग्गा और कोई प्रोग्राम नहीं था। जी जी, माशाल्लाह पहली दफा हुआ। वैसे मैंने, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की तस्वीर आप कहां से निकाल लेंगे। वाह 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 वाह, लो जी बग्गा जी, तुसा नहीं है तस्वीर तक के गाना हिट होया, बिल्लो छोटे बग्गेयां दा के करेंगी। आइए अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। आहा, मावा ठंडिया छावा। और इस तस्वीर में लग रहा है कि कुछ सालगिरह हो रही है, कुछ शादी है, बन ठंड के आप भी तैयार हैं। तो ये मेरा हल्की शादी थी कोई फैमिली में। तो अच्छा, सारे बहन भाइयों में सबसे ज्यादा नखरे वाला कौन था? नखरे वाला, हाँ, कि मतलब मैं नहीं है खाना, नहीं मैं नहीं जाना, नहीं मैं नहीं है। वो मेरा भाई है एक, सोनू, वो है जरा अपनी मर्जी का लाडला वो। हाँ बिल्कुल, उसका अपनी एक लाइफ है, अपने 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 तर्ज के खाने खाता है। ओए होए, हाँ उसका अपना मूड है कि बर्गर तो पान ते नहीं पा देना। काले सादे खानदान के नखरे वाले नहीं बखरे वाले होते। जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। हा हा हा, राहील शरीफ साहब और साहिर अली बग्गा एक ही फ्रेम में, और मेरा ख्याल है बग्गा साहब की एक्साइटमेंट इतनी थी कि आपने कहा सर। ये तस्वीर है जी, मैं, मुझे राहील शरीफ साहब ने बुलाया था, मैंने एक सॉन्ग बनाया था, एक शहीद का सॉन्ग था। अक्सर हम सॉन्ग लिखे जाते हैं शहीद की माँ के रेफरेंस से बनाते हैं लोग ना, तो एक गाना था यारो मेरा यार ना रहा, वो बाप की फीलिंग होती जैसे एक शहीद बेटे के लिए, तो उस पर मैंने बनाया था। तो इनको बहुत आया था पसंद, तो ये जब मैंने परफॉर्म किया था 6 सितंबर पर, तो ये मतलब इनके आंखों में आंसू भी थे। तो इन्होंने फिर मुझे 2 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस के, उन्होंने मुझे अप्रिशिएशन अच्छा। के लिए मुझे बुलाया था, तो तब मैं इनसे मिलने गया था। वाह वाह वेरी नाइस सर। आपने राहील शरीफ साहब के साथ भी काम किया और आपने बाजवा साहब के साथ भी काम किया, दोनों के मिजाज में म्यूजिकल सेंस में कितना फर्क है? म्यूजिकल सेंस का तो मैं नहीं बता सकता, हम एक मैसेज देना होता है जो कि आप अक्सर, मैं बल्कि ये मैं बात करना चाहता हूँ इस चीज़ पे कि अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि ISPR ने गाना बना दिया, फिर गाना बना दिया, मुल्क के लिए क्या हो रहा है और गाना बनाया जा रहे हैं गाना। असल में ये गाना नहीं होता,
असल में ये एक ऐसी बात होती है कि जो आप बार बार सुन सकें, लोगों के कानों तक जा सकें, तो गाने का जरिया एक बेहतर चीज है। तो उसमें सिर्फ हमारा जो या ISPR का या फौज का जो कंसर्न होता है गाने के अंदर, वो इतना ही होता है कि जो उनका मैसेज देना होता है लोगों को, अपने दुश्मनों को देना होता है या अपने 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 लोगों को देना होता है या किसी को भी देना होता है मैसेज, वो गाने के जरिए दे देते हैं, वो सही से पहुंच जाती है, कन्वे भी हो जाता है और मोटिवेट भी कर जाता है। क्या बात है, कितनी अच्छी थी, जबरदस्त गल की थी बग्गा पाजी, असल च पता की तुसी वाकई इधर अच्छा उन्होंने ना जलील होता ज्यादा शौक। अगली तस्वीर किधर पढ़ते, अरे वाह, हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ आप मौजूद हैं और हाथ मिला रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट पेट्रियोटिक सिंगर्स ऑफ पाकिस्तान साहिर अली बग्गा। सर ये कहाँ की तस्वीर है? सर ये कन्वेंशन सेंटर की है, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था। अरे क्या बात है, वाह वाह, क्या फीलिंग थी उस पर? सर फीलिंग मुझे इतनी मुझे खुशी जो थी वो तो थी ही पहले ही, मतलब मुझे उस वक्त ज़्यादा खुशी हुई थी जब मेरे अम्मी अब्बा साथ थे, तो वो जितना खुश और इमोशनल थे, मैं वो मुझे खुशी भूल गई थी कि मुझे क्या मिला, उनको क्या मिला इसकी मुझे खुशी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। जहां हम लोग हुब्बुल वतनी की बात कर रहे हैं और मिली नगमों की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना बग्गा साहब से एक दो लाइनें हो जाएं। जी बिल्कुल। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। हा 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 हा, बहुत दिनों साथ इसको कहते हैं द डेडली ट्रियो, राहत फतेह अली खान साहब, साहिर अली बग्गा और यूसुफ सल्ली साहब एक ही कमरे में मौजूद और ये सोच रहे हैं ए करेले आज पके। हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे थे एक, तो उसके लिए गाना हमने कंपोज किया था, तो उस पे काम कर रहे थे। आप म्यूजिक कंपोजर तो हैं ही, अब आप एक बहुत बड़े सिंगर भी बन चुके हैं। वाह, राहत फतेह अली खान साहब के साथ आपने बहुत काम किया है, मगर अब आप खुद भी एक सिंगर हैं, तो कैसे ताल्लुकात हैं? दोस्ती यारी अभी भी है कि चुंजा बजती? नहीं, चुंजा मेरी नहीं बज सकती उनके साथ, मेरा बड़ा प्यार है और वो बस ही लाजवाब आदमी अपने काम के, बाकी चुंजा शुंजा जी गल है जी, वो फिर पहले कभी एक दो चफा हो जाती फिर ऐसा नहीं है। अरे क्या बात है राहत फतेह अली खान साहब की, आपको ये तो मालूम ही होगा कि सुपर ओवर का आगाज भी राहत फतेह अली खान साहब ने ही किया था, और उनको तो 32 पुश्तों की दुआ है कि उनकी 32 पुश्तें सुरीली हैं, ए ताड़ी तरह पापे कोजियां नहीं है, अभी तो तीसरी पुश्त है। खातिनों साथ आपको तो मालूम है सुपर ओवर की ट्रेडिशन क्या है, जब भी कोई सुरीला बंदा आता है हम उसको जाने नहीं देते, तो ये कैसे हो सकता है कि साहिर अली बग्गा यहां मौजूद हैं और हम उनको जाने दें? ले खातिनों साथ आपकी भरपूर तालियों में साहिर अली बग्गा। चकी ताई प्यार मेरा सोना सोना।